जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी जैन एंचिलाडास। एंचिलाडास एक पॉपुलर मैक्सिकन डिश है। ये बहुत सारे वेजिटेबल, राजमा और टॉर्टिया से बनता है। मैं आज स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी बताऊंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। जैन एंचिलाडास बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 4 से 5 कटे हुए बेसिल लीव्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 3 टमाटो की प्यूरी डाल के मिक्स करके पकने देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून ऑरिगानो और 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल के मिक्स करके पकने देंगे। अब पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और कलर भी अच्छा आ गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। 10 से 12 मिनट में सॉस बनके तैयार है और सॉस की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। अब गैस बंद करके एक बाउल में निकाल के ठंडा होने देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर डाल के मेल्ट कर लेंगे। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब बटर मेल्ट होने के बाद 1 कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 कप कटा हुआ कैबेज, 1/4 कप कटा हुआ कैप्सिकम, 1/4 कप कटा हुआ टमाटर और राजमा डाल देंगे। ये मैंने 1/3 कप राजमा को 5 से 6 घंटे भिगा के कुकर में 5 से 6 सीटी लगा के पका लिए थे और 1/4 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल के मिक्स कर देंगे। अब 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरिगानो, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स करने वक्त राजमा को थोड़ा इस तरह स्मैश कर लेंगे और स्टफिंग को थोड़ा ड्राई होने देंगे। अब स्टफिंग बनके तैयार है। इस तरह थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद स्टफिंग थोड़ा और ड्राई हो जाएगा। अब हम टॉर्टियास बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1/2 कप छाना हुआ मैदा, 1/2 कप छाना हुआ बारीक मक्के का आटा, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा गर्म पानी से डो तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गर्म पानी यूज़ करने से डो एकदम सॉफ्ट अच्छा बनेगा। अब थोड़ा और पानी डालेंगे। डो बनाने में टोटल मैंने यहाँ 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब टॉर्टियास बनाने के लिए डो तैयार है। इस तरह रोटी के आटे से हल्का कड़क रखेंगे, पराठे के आटे जैसा। इस डो को रेस्ट के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। इतने डो में से मैंने 6 लोई बना दी है। अब इसे हम बेल देंगे। बेलने के लिए हम सूखे मैदे में थोड़ा डिप करके रोल करेंगे। अब बेल देंगे। एक बार सूखे मैदे में डिप करने के बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा सूखा मैदे का यूज़ नहीं करना है। अब बेल के तैयार है। रोटी से थोड़ा हल्का मोटा बेलना है और टॉर्टियास को आप इस तरह गोल भी रख सकते हैं, पर मैं आज टॉर्टिया को स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। उसके लिए साइड से कट कर देंगे।
और इसे हटा देंगे। मैंने यहाँ मेरे मोल्ड के हिसाब से टॉर्टियास की साइज बनाई है। आप जिसमें बेक करने वाले हो उस मोल्ड के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हो। अब इसे तवे पे डाल के कच्चा पक्का रोस्ट कर लेंगे। अब साइड चेंज कर देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। टॉर्टियास को हम 80-90% पकाएंगे। इसे इस तरह सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा कड़क नहीं करना है। अब रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल देंगे। अब अपना सॉस, स्टफिंग और टॉर्टिया बनके रेडी है। अब हम एंचिलाडास रेडी करेंगे। उसके लिए टॉर्टिया में स्टफिंग फिल करना है। अब ग्रेटेड चीज़ डाल के फोल्ड कर देंगे। इसी तरह सारे टॉर्टिया में स्टफिंग फिल करके रोल तैयार करना है। मैंने यहाँ 4 रोल फिल करके तैयार किए हैं। हमने जो टोटल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उससे 6 रोल बनते हैं। बेक करने के लिए मैंने यहाँ मोल्ड लिया है, इसे मैंने बटर से ग्रीस कर दिया है। अब इसमें पहले सॉस डाल के पूरे मोल्ड में स्प्रेड कर देंगे। अब सॉस स्प्रेड हो चुका है, अब एक एक रोल रख देंगे। रोल को हम इस तरह उल्टा करके रखेंगे, जिस साइड हमने फोल्ड किया है उसे हम नीचे की साइड रखेंगे। अब चारों रोल रख दिए हैं। रोल रखने के बाद वापस सॉस डाल के स्प्रेड कर देंगे। अब सॉस स्प्रेड हो जाने के बाद ग्रेटेड चीज डाल देंगे। चीज अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सारे में चीज स्प्रेड कर दी है। अब हम बेक करने के लिए रख देंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई को 5-7 मिनट प्रीहीट करने रख दी थी और इसमें एक रिंग रख दी है। अब मोल्ड को रख देंगे और ढक के 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक होने देंगे। आप इसे ओवन में 180 डिग्री पे 10 मिनट तक बेक भी कर सकते हैं। अब 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और देखिए चीज कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मोल्ड को बाहर निकाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी जैन एंचिलाडास बनके रेडी है, तो इसे आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।